दोस्तों अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग कोर्स सीख रहे हो तो वहां पर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, बीजी सॉफ्टवेयर में या इसके अलावा कोई भी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, वहां पर आपने जरूर प्रैक्टिस करी होगी और उसी प्रैक्टिस के दौरान आपने एक वाउचर एंट्री का शब्द भी जरूर सुना होगा भी हमें टैली सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री करनी है, बीजी सॉफ्टवेयर में हमें वाउचर एंट्री करनी है। लेकिन इसी बात को लेके जो फ्रेशर अकाउंटेंट है या जो स्टूडेंट्स अकाउंट कोर्स सीख रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो वाउचर एंट्री को और वाउचर्स इन दो शब्द के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं भी वाउचर्स क्या होते हैं और वाउचर एंट्री का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी बात को लेके सस्पेंस में हो भी वाउचर्स का मतलब और वाउचर एंट्री का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो से दूर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में और बिजी सॉफ्टवेयर में और बिजनेस का जो रियल वाउचर्स होता है इसके दौरान हम आपको समझाएंगे भी वाउचर्स का मतलब और वाउचर एंट्री का मतलब क्या होता है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके और आप कहीं अच्छे लेवल पे वर्किंग है जो कर सको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और टैली सॉफ्टवेयर जब भी आप ओपन करोगे तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली के यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर आपको एक वाउचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा और हम जब इस वाउचर्स पर जाते हैं तो इस वाउचर के दौरान एक वाउचर हमें यहाँ पर ओपन मिलता है और उसके बाद में यहाँ पर कुछ एक वाउचर होते हैं जो हमें शॉर्टकट यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल, ये इस तरीके से। अब आप यहाँ देख सकते हो एक ऑप्शन आपके सामने आता है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। तो अब यहाँ पर काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेशर अकाउंटेंट है, वो ये समझते हैं भी हमने पेमेंट वाउचर के अंदर जो एंट्री कर दी वो वाउचर्स है। अब ये वाउचर्स है तो दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल बिजी सॉफ्टवेयर का भी लेते हैं तो दोस्तों सेम एग्जांपल बिजी सॉफ्टवेयर में भी जाते हैं तो जब भी हम यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे सामने सेम वही ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, सेल परचेज, सेल रिटर्न परचेज, रिटर्न पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस तरीके के वाउचर। लेकिन अब बात आएगी भी क्या हम टैली सॉफ्टवेयर में या बिजी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे सामने ये वाउचर है, क्या हम इसी को वाउचर्स बोलते हैं? तो दोस्तों अब कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि आपकी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। अब आपकी बिजनेस के अंदर सारे टाइप के रिकॉर्ड होंगे, परचेज की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, सेल की भी करनी पड़ेगी, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यानी कि ये सभी तरीके के वाउचर हम यूज करते हैं। लेकिन अब बात आएगी भी वाउचर यूज तो करते हैं लेकिन अब वाउचर्स का मतलब क्या है? तो दोस्तों अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी को लेकर चलते हैं, जैसे अब हमारी कंपनी है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, इस नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली या हम ये कह सकते हैं हम इसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। तो अब आप यहाँ पर जॉब करोगे तो कुछ एक वाउचर आपकी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं और कुछ एक वाउचर होते हैं जो आपको आपके सप्लायर्स के द्वारा रिसीव आपको करने पड़ते हैं। तो अब हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक ये वाउचर है। तो दोस्तों अब वाउचर का मतलब हो गया भी आपके सामने जो ऑन पेपर रिकॉर्ड आएगा, जैसे मान लीजिए ये पेपर पे आपके सामने प्रिंट है, आपके टेबल पे पड़े, तो ये एक वाउचर है। अब ये वाउचर किस चीज का है, अब इस चीज की पहचान आपको करनी है। अब वाउचर की पहचान हम किस तरीके से करेंगे, एग्जांपल के लिए अभी हमने लिया कि हमारी कंपनी है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि हम इस कंपनी के अंदर वर्किंग अभी कर रहे हैं और हमारे सामने वाउचर कौन सा है, बालाजी ट्रेडर्स का, यानी कि ये टैक्स इनवॉइस है। तो अब एक बात तो क्लियर होगी भी बालाजी ट्रेडर्स की तरफ से ये सेल इनवॉइस बन रहा है और ये सेल इनवॉइस बालाजी वाले ने किसको इशू किया है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को। तो अब हम बात करें भी हमारी कंपनी के लिए तो ये परचेज का रिकॉर्ड है, यानी कि हमने बालाजी ट्रेडर्स से ये जो प्रोडक्ट है हमने परचेज किए, तो ये है वाउचर्स। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम जाएंगे और वहां पर हम F9 का यूज करेंगे तो हमारे सामने ये परचेज की विंडो ओपन हो जाती है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। तो दोस्तों अब ये जो परचेज की विंडो हमारे सामने टैली सॉफ्टवेयर में ओपन हुई है ना, तो अब इसका टैली सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया भी जो भी वाउचर्स की यहाँ पे डिटेल दे रखी है तो ये हमें परमिशन देता है भी अगर आपने
कोई प्रोडक्ट आपके सप्लायर्स के द्वारा सप्लायर्स से आपने खरीदे है, तो आप इसकी जो ट्रांजेक्शन की एंट्री है आपको इस परचेज वाले ऑप्शन के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये हम कर रहे हैं वाउचर की एंट्री। और रियल के अंदर वाउचर की बात करें तो वाउचर हमारे पास होता है जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड, जो हमारे हाथ में कागज होता है, पेपर होता है, वो हमारे लिए वाउचर्स होते हैं। अब वो वाउचर्स आपके सामने किसी भी प्रकार का हो सकता है, पेमेंट का वाउचर हो सकता है, जैसे कि हमारे सामने ये परचेज है, परचेज का हो सकता है। अब आपको तो या तो परचेज वाउचर मिलेगा, या आपने सप्लायर को अगर कोई पेमेंट करी है तो उसके अगेंस्ट में आपको रिसिप्ट मिलेगी, या आपने कंपनी को कोई गुड्स रिटर्न किया है तो सामने वाली पार्टी की तरफ से आपको क्रेडिट नोट मिलेगा। तो कुछ हमारी तरफ से इश्यू किए जाते हैं, कुछ हमें सप्लायर्स के द्वारा मिलते हैं। तो जो हमारे द्वारा इश्यू कागज हमने कस्टमर को दे दिया सेल इनवॉइस का, तो वो हमारे लिए वाउचर्स है। अगर हम टेली सॉफ्टवेयर की F8 की बात करें यहाँ पर, तो अब F8 के अंदर ये सेल का ऑप्शन टेली सॉफ्टवेयर ने आपके सामने ओपन कर दिया, ये एक तरीके का ऑप्शन हमारे सामने खुला है। हम इसको ये नहीं कह सकते भी ये सेल वाउचर है, ये सेल वाउचर की ट्रांजेक्शन करने की अनुमति हमें देता है भी। अगर आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो अब आपको इसकी एंट्री इस सेल वाले ऑप्शन के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने परचेज का एग्जांपल अभी हमने समझ लिया, अभी ये हमारे लिए परचेज वाउचर है। तो हम टेली सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सेल वाउचर के अंदर इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि सेल वाउचर का मतलब हो गया हमारे कस्टमर को हमारी कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाएगा, और परचेज वाउचर का मतलब हो गया अब हमें इसकी वाउचर का ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए हम यहाँ पर अब परचेज को सिलेक्ट करेंगे। अब ये टेली सॉफ्टवेयर कहेगा कि आपके सामने ये जो वाउचर है इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री अब आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अब आप समझ सकते हो भी जो हमारे सामने ऑन पेपर रिकॉर्ड है वो हमारे लिए वाउचर्स हैं, और टेली सॉफ्टवेयर में या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, जैसे कि हम बिजी सॉफ्टवेयर में चलते हैं, परचेज वाउचर के ऑप्शन पर हम चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कहेगा भी आप एड आपके सामने जो वाउचर है अब उस वाउचर की ट्रांजैक्शन एंट्री यहाँ पर आप करोगे, ये हमें परमिशन दे रहा है। तो वो हमें तरीका समझना पड़ेगा भी जो भी वाउचर हमारे हाथ के अंदर है उसकी वाउचर की एंट्री हमें कहाँ पर करनी है, कौन से ऑप्शन के अंदर करनी है। मान लीजिए आपने आपके सप्लायर को आपने पेमेंट करी, तो इसकी एंट्री हमको परचेज में तो करेंगे नहीं, पेमेंट करी है हम इसके लिए पेमेंट वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। ये हमारे लिए एक तरीके हम कह सकते हैं ऑप्शन है जहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एड पेमेंट वाउचर, यानी कि आपके साथ में जो रिसिप्ट है उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हो पेमेंट के लिए, जो आपने पेमेंट के लिए एंट्री जो आपने कस्टमर के आपके जो सप्लायर्स है उसने आपको जो रिसिप्ट दी है उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हो। तो आप इस जो कंफ्यूजन है वो आपका उम्मीद करता हूँ भी दूर हो रहा होगा भी जो हमारी एंट्री है करने का वो ऑप्शन है, और जो हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड कागज है वो हमारे लिए वाउचर्स होते हैं। तो इसी का एग्जांपल हम लेते हैं हमारे बिजी सॉफ्टवेयर में। मान लीजिए हमने कस्टमर को सेल किया, तो सेल किया तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल वाउचर पे हम चलते हैं और यहाँ से हमने कस्टमर के सारी रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शन कर दी। तो इसके लिए वापस एक बार हम कोई सेल वाउचर को ओपन करते हैं। मान लीजिए ये सेल वाउचर है, तो ये सेल वाउचर की एंट्री हमने पास कर दी, किसको सेल इशू किया, आइटम क्या है, टैक्स वगैरह सब कुछ लगा दिया। और जैसे हम इसके लिए प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद में हम प्रीव्यू देखते हैं, और ये जो प्रीव्यू हमारे सामने आ गया है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब इसका जो प्रिंट निकलेगा और ये प्रिंट जब हमारे हाथ में आएगा ना, तो ये हमारी तरफ से एक सेल वाउचर बन चुका है, और जो ट्रांजैक्शन हमने करी है वो ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे को सॉफ्टवेयर अनुमति दे रहा है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी और फुल डिटेल के साथ इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना। तो इसी तरीके से आपको अगर सॉफ्टवेयर में आप जाओगे तो पूरी डिटेल अगर आप देखना चाहते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहाँ पे टोटल वाउचर्स आपको दिख जाएंगे। जैसे हम एल्टर पे जाते हैं, वाउचर टाइप पे जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये सारे वाउचर्स होते हैं हमारे, ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन सभी ऑप्शन का यूज सभी कंपनियाँ करती नहीं है, जिस जिस कंपनी को जिस जिस वाउचर की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से इन सभी ऑप्शन को इनेबल करते रहते हैं। बेसिकली हमारे लिए परचेज वाउचर, सेल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है ना, कुछ इसी तरीके से जो ये इंपॉर्टेंट्स वाउचर्स होते हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद आता है मटेरियल इन, मटेरियल आउट, यह अगर हम करें रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, तो ये कुछ स्पेशल कंपनीज होती है जिनको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो रहती है।